अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, MTH 101 की असाइनमेंट नंबर 1 जो है आई हुई है और लास्ट डेट इसकी 13 नवंबर। तो ये चूँकि अब हमारे पास डिफरेंट सेक्शन होते हैं, डिफरेंट इंचार्ज की असाइनमेंट भी डिफरेंट होती है, उनके क्वेश्चन जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो ये भी मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किए थे, जिस पे मैं वीडियो सॉल्यूशंस के साथ जो है वो बना रहा हूँ। और अगर आपके ये क्वेश्चन नहीं है, तो आपने जो आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है 03124778726, इस पे आप कॉन्टेंट करके मुझसे अपने क्वेश्चंस को बनवा भी सकते हैं। हेल्प अगर आपको चाहिए थोड़ी सी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आपको वर्ड फाइल चाहिए, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। जो लोग टोटली बिज़ी रहते हैं, वर्ड फाइल नहीं बना सकते हैं, कोशिश तो खुद करें कि आप इसको यहाँ से देख के इसमें चेंजिंग करके खुद इसको बनाएं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप मुझसे यूनिक जो है फाइल भी ले सकते हैं, उसके सर्विसेज भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चंस की तरफ, सॉल्यूशंस की तरफ। से पहले, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट जितने भी हमारे पास असाइनमेंट्स, ख़ास तौर पे मैथ की असाइनमेंट जो है, वो तमाम तर 100% करेक्ट सोल्यूशन के साथ आप लोगों को मिल सकें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें था कि फाइंड द ऑल इंटरसेप्ट। हमारे पास एक क्वेश्चन दी हुई थी, x²-6x+3, हमने इसके इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। और सेकंड, हमने जो है इसका भी पार्ट भी है, 5 मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन अ ग्राफ। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 पे चलते हैं, जिसमें उसने इंटरसेप्ट कहा है। तो इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं हम? इंटरसेप्ट 2 तरह के होंगे, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हैं। जब हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करेंगे, क्या करना है, इन दोनों में से जो कि हमें नज़र आ रहा है, ऊपर 6 है, ठीक है, ये भी 2 बाहर आ चुका था, चूँकि 4 ज़रब 6 था, 4 का 2 बाहर आ गया था। अब इनमें से जब हम 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, और ये 2 बाहर जा चुका होगा, वो 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल होके, इस तरह से प्लस माइनस के 2 फॉर्म है। एक दफ़ा पॉजिटिव के लिए लिख दिया और एक दफ़ा नेगेटिव के लिए लिख दिया। इसी तरह से जब हमने वाई इंटरसेप्ट के लिए करना है, तो फिर हम एक्स को 0 रखेंगे। एक्स इंटरसेप्ट में वाई की जगह पे 0, वाई इंटरसेप्ट में एक्स की जगह पे 0, ठीक है, ये मेथड है हमारे पास। तो देखें, जब हम एक्स की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ पे एक्स है, वहाँ वहाँ पे 0 होने से वाई का आंसर जो है बन चुका है। पार्ट बी की तरफ अगर मैं जाऊँ, तो पार्ट बी में हमारे पास उसने जो हमें दिया हुआ था, कि अगर उसी इक्वेशन के अंदर अगर एक्स की वैल्यू ये पुट कर दी जाए, तो उनके क्या सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास एक्स की जगह पे यानी कि 1 पुट करूं, यानी यही इक्वेशन थे ना हमारे पास जो नीचे नज़र आ रही है, ठीक है, सॉरी ये वाली इक्वेशन है तो सेम, लेकिन अभी हमने एक्स की जगह पे एक दफ़ा हम 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, 2-2, 3, जो जो उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है, 1-1, 2-2, 3। तो सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, डेफिनेटली जो आंसर बनेगा, फिर वो हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर हमने -2 पुट करना है, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से मैंने सारे 1 बाय 1 पुट करके जो आंसर बनते जा रहे थे, वो मैं नीचे लिखता जा रहा था, ठीक है। फिर इनके पेयर फॉर्म बना दिए, कि ये एक्स का आंसर हमेशा पहले, वाई का आंसर बाद में, फिर यहाँ पे भी एक्स का आंसर पहले, वाई का आंसर बाद में, इस तरह सब में ऐसे ही मैंने कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ठीक है, ये वो हमारे पास था कि आपने डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन x²-6x+3 है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म y(f(x) में लेके जाना है। देन हमने बताना है कि इसका ग्राफ अप या डाउन में है, राइट या लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये किस तरह से बताया जाएगा, इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को y=f(x+c) की फॉर्म में लेके आना है।
यानी हम इस इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लेके जाएंगे प्लस सी, यानी एफ ऑफ एक्स के बाद जो नंबर शो होगा वो हम उसको सी कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए हमने इसको सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम इसको एक स्क्वायर फॉर्म में लेके जाएं। स्क्वायर फॉर्म में लेके जाएंगे यानी कि हमारे पास वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म कैसे बनेंगे। तो उसके लिए देखें, एक तो ये मेथड है कि हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन है, सॉरी प्लस थ्री है, आप इसको कंप्लीट स्केयर वाले मेथड में देखें ना, अगर इसका होल स्केयर बना दें, माइनस टू ए हमारे पास है वो एक्स है, बी हमारे पास थ्री लगेगा तभी ये सिक्स बनेगा, फिर थ्री का स्केयर होता है नाइन, ठीक है। तो फिर नाइन को दोनों तरफ ऐड कर लें, उस मेथड को जहन में रखते हुए भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अगर वो डिफरेंट मुश्किल लग रहा है तो ये भी मेथड होता है कि आपके पास जो एक्स वाली टर्म है उसको हमने करना है दो पे डिवाइड, ठीक है। देन हमारे पास जो रिजल्ट आता है हमने उसका लेना होता है स्क्योर। ये जो नंबर बना है ना, अब जिसकी इनको हल करेंगे थ्री बनना था, थ्री का स्क्योर नाइन, अब ये जो नाइन है हम इनको इधर दोनों तरफ यानी वाई की तरफ भी और इस तरफ भी ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, वाई प्लस थ्री एक्स स्क्योर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस थ्री। अच्छा, अब क्या होना था, ये प्लस नाइन प्लस थ्री प्लस ट्वेल्व बन गए। अब ये फार्मूला अगर मैं क्लोज करने की कोशिश करूँ ना, यहाँ से देखेंगे आप कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व माइनस नाइन, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगर हम इन तमाम को सॉल्व करेंगे ना तो हमें यही मिलेगा ऊपर वाली टर्म, ठीक है। लेकिन ये वाली फॉर्म बनाने का मकसद ये था कि ये होल स्केयर में आ जाएगा, ठीक है। यानी होल स्केयर का मतलब है एक्स माइनस थ्री का होल का स्केयर बन गया, या नाइन अगर जाके तफरीक हो जाएगा थ्री से तो फिर वो माइनस सिक्स बन जाएगा। मतलब हमारे पास ये स्केयर वाली फॉर्म हमने बनानी थी वो हमने बना ली है, माइनस सिक्स आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसमें एफ ऑफ एक्स को लेंगे एक्स माइनस थ्री स्क्वायर, सी को लेंगे माइनस का सिक्स। इस पे हम बताएंगे, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है ना, अब हमें इस पे बताना भी है कि आप एंड डाउन है, राइट एंड लेफ्ट है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक्स माइनस थ्री वाली टर्म हमें यह बता रही है कि जो शिफ्ट थ्री है दैट इज़ द राइट कम्पेयर, ठीक है। एंड इस तरह से हम इसको राइट शिफ्ट बोलेंगे, चूँकि माइनस थ्री है उधर जाकर पॉजिटिव हो जाना है, देन हमारे पास ये राइट हो गया। इसी तरह से जो सी वाला पोर्शन है वो नेगेटिव बता रहा है, इसका मतलब है वो डाउनवर्ड जाएगा, नेगेटिव के पॉइंट पर जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बताना था इस पैराबोलिक फॉर्म में कि ये अप है, राइट वाली साइड में जा रहा है सॉरी, और दूसरा जो है वो डाउनवर्ड फॉर्म में जा रहा है। तो इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर भी डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको अगर किसी और असाइनमेंट की ज़रूरत हो देन वो भी आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।